हाला में एडिशनल सेशन जज के घर चोरी की वारदात, चोर लाखों मालियत का सामान ले उड़े। पुलिस के मुताबिक चोर घर से 22 तोला सोना और 4 लाख रुपए नकदी ले गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पटियारी में कौमी शाहरा पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बीवी जाबहक शोहर शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, लाश और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के नवाही इलाके बारजिया में मिनी बस का टायर फटने से ट्रैफिक हादसा, एक खातून जाबहक, 13 अफराद शदीद जख्मी, जख्मियों में बच्चे भी शामिल। लीवी जराय के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जख्मियों को कबू सईद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे समेत 2 अफराद जाबहक, 1 शख्स शदीद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद के थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से डोल्फन सेक्टर इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बासित जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पीटीआई सिंध के मरकजी रहनुमा हलीम आदिल शेख का मीरपुर खास का दौरा, राशन न मिलने पर इलाका ने शिकायत के अनबार लगा दिए। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत से जल्द इमदाद देने का मुतालिबा कर दिया। ठट्ठा में भूख से सताई आवाम सड़कों पर आ गई, मेन शाहरा को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 माह से लॉकडाउन की वजह से काम बंद है, हुकूमत ने ऐलान के बावजूद राशन फराहम नहीं किया, जब तक राशन नहीं मिलेगा रोड बंद रहेगा। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास, माह सयाम में इंतजामात के हवाले से उलमाए कराम से तबादला ख्याल। रमजान उल मुबारक में नमाज और तरावी की अदायगी के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की जेर सदारत अमन कमेटी के मेंबरान और उलमाए कराम का इजलास। रमजान उल मुबारक में नमाज तरावी और दीगर नमाजों की अदायगी के लिए 20 निकाती लाइहा अमल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। सादिकाबाद के इलाके इत्तफाक टाउन में रिहायश पजीर खानदान के 9 अफराद बेनाई से महरूम, घर में फाकों के डेरे, मुतासरीन किसी मसीहा के मुंतजिर। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरामैन एसोसिएशन सरगोधा के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हलफ लिया। सिराजुल हक का कहना है कि कैमरामैन मीडिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं।